देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कड़ाके की ठंड जारी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा में भी सर्दी का सितम जारी है। आईएमडी के अनुसार यहां गुरुवार रात यानी आज सूर्यास्त से सूर्योदय तक घना कोहरा छाया रह सकता है। साथ ही आईएमडी ने दक्षिण भारत में वर्षा की संभावना जताई है। भीषण सर्दी से भी लोगों का हाल बेहाल है। दिल्ली एनसीआर में सड़कों पर, फुटपाथ पर रह रहे लोग दिन रात अलाव के सहारे जी रहे हैं। कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे की वजह से दृश्यता काफी कम हो गई है और सड़कों पर वाहन अथवा ट्रेनों की हवाई सेवाओं पूरी तरह से प्रभावित हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान में यह भी कहा गया है कि अगले 3 से 4 दिनों तक दक्षिण तमिलनाडु, दक्षिण केरल और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगे कहा कि 5 जनवरी के बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हल्की छिटपुट बारिश होने की संभावना है। आज के मौसम की संभावित गतिविधि। मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार आज गुरुवार को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पंजाब के कई स्थानों, राजस्थान के कुछ हिस्सों, दिल्ली और हरियाणा में कूल डे से लेकर सीवियर कूल डे की स्थिति जारी रह सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और बिहार के अलग अलग इलाकों में बहुत घना कोहरा छाया रह सकता है। राजस्थान, हरियाणा और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है।